हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज है मैया का विसर्जन और आज दशहरा भी है, तो आपको दोनों प्लेट दिखाएंगे। दाएं बाएं हो जाए तो वहाँ जगह हो जाएगी और लोग पूजा कर सके वहाँ। और बार बार कहा जाता है ये जो ऊपर चढ़ने और उतरने की रास्ता है यहाँ थोड़ा सा दूर रहेंगे। क्या कहा था गाइस, आज गाड़ियाँ चढ़ने वाली थी पर ये बच गई। एक ये बच गई, ये गाड़ी दहेज की गाड़ी है हमारी। दहेज की गाड़ी थी, इसको हम चढ़वाना चाहते थे पर ये क्या कह रहा है भाई? कुछ कह रहा था पर इस भाई आगे वाले ने 20 रुपए का गुटखा चबा लिया है, अभी ये नशे में। माल्यवान जी, ये धरती आपकी है और आपकी ही रहेगी। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का कभी भी नहीं कर सकता। यस किस बात की हो रही है कि पिता के बाद अपने परम पिता भी भ्राता असुरेश्वर दशानन के पंच तत्वों को पंच महाभूतों में विलीन कर दिया। जीवन अद्भुत से वर्तमान हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्राणी मात्र को उसके अधीन होकर कर्म करना पड़ता है। नए सिरे से असल जाति के अनुशासन की व्यवस्था लंका की प्रजा के कल्याण के लिए लंका का राज्य भर संभालना अब तुम्हारी गरीब करता है। एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासन आरूढ़ होता है, यही परंपरा है। जो आज्ञा भैया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइस। ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरा की। पान खाइए, मैं भी पान खाता हूँ और इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है दशहरा और हमारी
और क्या हमारे।